हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियंट जोन में। और मैं आपका होस्ट दोस्त और साथी राहुल सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ करंट अफेयर्स की इस सेशन में। और हमारा जो इसका टैगलाइन रहता है करंट अफेयर्स टी टाइम, यानी कि सुबह सुबह चाय की प्याली के साथ आप ज्ञान का भी आनंद ले सकें, आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। कुछ फ़ायदा मतलब कि एग्ज़ाम में आप दूसरों से दो कदम क्या रहें, आगे रहें। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल रेडियंट जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे साथ लग जाएं और लर्निंग मोड पे आ पाएं, कॉपी पेन एक पानी की बोतल। लेकिन ये तो करंट अफेयर्स है, इसलिए मेरा एक टैगलाइन बदला कि भाई पानी की बोतल के बजाय आप चाय का प्याला ले लें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में मैंने आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाया है जो कि आपके लिए बहुत ही क्या होंगे, यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जो अल्बेल कादर बिन सहाल कहाँ के राष्ट्रपति बने। अल्बेल कादर बिन सहाल कहाँ के राष्ट्रपति बने, तो आप कहेंगे अल्जीरिया के। कहाँ के? अल्जीरिया के। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि भाई भाषा के आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर देश का प्रथम राज्य जो गठित हुआ वो कौन सा है। भाषा के आधार पर देश का गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे क्या, आंध्र प्रदेश। क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता है क्या है? अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाई AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड, क्या है? AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड किसे मिला। ये बहुत ही पब्लिक सेक्टर का बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है दोस्तों, AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड। ये किसे मिला? तो ये मिला किसको? IOCL, जो कि हमारी पब्लिक सेक्टर क्या है, कंपनी है, उसे मिला था। क्या मिला था? AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड। IOCL इसका फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक। अब ये कंपनी बनी कब? तो ये बनी 20 जून 1959 को। कब बनी थी IOCL दोस्तों? IOCL बनी थी 20 जून 1959 को, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला, यानी कि ISO टैग जो है वो प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है, तो आप बोलेंगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक। कहाँ? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है कि जो क्या मिला है, जिसे ISO टैग मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई मार्च 2019 में जो कुर्ग अरेबिका को GI टैग मिला। कौन सा टैग? GI टैग दिया गया। ये मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है? अब पहले बात तो ये कुर्ग अरेबिका क्या होता है, तो कुर्ग अरेबिका जो कि है एक जो कॉफ़ी है, जो कॉफ़ी पी जाती है उसकी एक क्या होती है, किस्म होती है, यानी कि वो कॉफ़ी का एक प्रकार है, ठीक है। तो मार्च 2019 में कुर्ग अरेबिका को GI टैग दिया गया। ये मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे, कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में मुख्यतः ये क्या होती है, उगाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम कब मनाते हैं। तो इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 मार्च को हम मनाते हैं। कब मनाते हैं?
एक मार्च को क्या मनाते हैं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। क्या मनाते हैं? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई फरवरी 2019 में, अभी जो बीती है फरवरी है, इसमें भारत की सबसे उम्रदराज हाथी ग्रैनी द छायणी का किस राज्य में निधन हुआ। जो ग्रैनी द छायणी थी उन, वो हाथी हैं, हाथी थी, उनका क्या किस राज्य में निधन हुआ। तो इसका सही उत्तर है केरल में। और जो ग्रैनी द छायणी हाथी थी, इनका जो एज था वो क्या था, 88 ईयर, यानी कि 88 साल की थी, सबसे उम्रदराज भारत की। विकीलीक्स, विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे को किस देश में गिरफ्तार किया गया। विकीलीक्स एक ऐसी कंपनी थी जिसने सन 2010 में लगभग सारे जो शक्तिशाली कंट्रीज हैं उनका क्या किया था, सीक्रेट, जो सीक्रेट दस्तावेज होते हैं उनको लीक करके क्या आए थे, ये बहुत ही ज़्यादा विवादों में आए थे। कौन? जूलियन असांजे, जो कि क्या थे, विकीलीक्स के सह संस्थापक थे। ठीक है, इन्हें किस देश में अभी गिरफ्तार किया गया, तो इन्हें गिरफ्तार किया गया है ब्रिटेन में। ठीक है, ये इक्वाडोर के, ये ब्रिटेन के इक्वाडोर, जो है इक्वाडोर के जो वहाँ पे एम्बेसी होता है, ठीक है, इक्वाडोर के एम्बेसी में 7 साल से थे। ठीक है, किसमें, ब्रिटेन के इक्वाडोर के एम्बेसी में ये 7 साल से वहाँ पे क्या किए थे, संरक्षण पाए हुए थे, और इनको हाल ही में क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस स्टार्टअप को क्या किया गया है, नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 मिला। किस स्टार्टअप को नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 मिला, तो आप कहेंगे किसको, दोस्त एजुकेशन को। दोस्त एजुकेशन को क्या मिला, नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या है कि भाई वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर खींची है। ठीक है, तो इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है, किसकी, ब्लैक होल की पृथ्वी से दूरी पूछ रहा है। तो भाई जो इसकी पृथ्वी से दूरी है दोस्तों, वो है 5.4 करोड़ प्रकाश वर्ष। कितनी, 5.4 करोड़ प्रकाश वर्ष। और ये जिस गैलेक्सी में पाए गए हैं उनका नाम है M87 गैलेक्सी। क्या नाम है, M87 गैलेक्सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाई इमामी नवरत्न कूल टाल्क जो होता है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वरुण धवन। इससे पहले कौन थे, अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 12th नंबर कि भारत ने स्मार्ट शहरों के समाधान पर, किसमें, जो अभी स्मार्ट सिटी योजना निकली थी उसके समाधान के लिए किस देश से करार किया था, समाधान पे सहयोग के लिए किस देश से करार किया था, तो आप कहेंगे स्वीडन। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम क्या है, इसकी राजधानी है, तो वहीं से हमारा करार हुआ था। ये करार कौन किया था, जो हमारे देश का साइंस एंड जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने ये करार किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का लास्ट है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, यानी कि किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ समझौता किया है, तो इसका जवाब है पैसा लो डिजिटल लिमिटेड। किसका, पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के साथ इसका SBI का करार हुआ है कि भाई आपको जो भी लोन होगा वो इनके थ्रू ही मिलेगा, पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के रूप में। तो दोस्तों ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का टी टाइम सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल रेडियो जोन को सब्सक्राइब करें। यार बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसके वीडियोज़ को आप शेयर करें, ताकि हम भी आगे बढ़ें तो आप भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या करते रहिए,
जिंदगी का जो शुभ है, जिंदगी का जो अपना वो है, मोटिव है, उसको क्या करते रहिए, पूरा करते रहिए इन्हीं सब बातों के साथ। थैंक यू सो मच।